तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइज, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज का। सो गाइज, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ने ड्रैगन का एक खतरनाक सा इवोल्यूशन जो है ना गाइज वो निकाल डाला है। बट गाइज मुझे ना ये ड्रैगन का लास्ट वाला जो इवोल्यूशन है ना गाइज वो किसी भी कीमत पे जल्दी से जल्दी देखना है। मैंने बोला था गाइज मैं सारे के सारे ड्रैगन को इवोल्व करूंगा, लेकिन गाइज पहले मैं ड्रैगन को इवोल्व करने वाला हूँ। तो आज के एपिसोड में एक इवोल्यूशन निकलेगा और अगले एपिसोड में इसका फाइनल एकदम दो एंड वाला इवोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो आज ना हम लोग ड्रैगन के सारे के सारे इवोल्यूशन निकाल के रहेंगे, क्योंकि इसका अगर एक इवोल्यूशन घटिया बाकी के अच्छे ऐसा कुछ होता तो अलग बात थी। बट गाइज हमारे खतरनाक से ड्रैगन के ना हर एक इवोल्यूशन एकदम ओपी वाले, लुक भी अलग है, हर एक का अटैक भी अलग है, इसलिए मुझे हर एक इवोल्यूशन अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं हर एक इवोल्यूशन पे एक एक वीडियो बना रहा हूँ गाइज अभी यहाँ पे। और कभी यहाँ पे आज का जो इवोल्यूशन है गाइज ड्रैगन का वो निकालने से पहले और एपिसोड शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद्यानी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइज वो अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है गाइज आपको, आपको बच्चे ना गाइज एक ही काम करना है, लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां से आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर गाइज यहाँ पे आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो गाइज आप जो है ना गाइज यहाँ पे एक काम कर सकते हो, नीचे जो ना डिस्क्रिप्शन में निड्रेडो सर्वर का लिंक है, वहां से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना निड्रेडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अभी क्लाउड जो ना गाइज वो थोड़े से कम कर लेता हूँ एंड हम लोग जो ना गाइज हमारे ड्रैगन को बाहर निकालते हैं। ये जो ड्रैगन था ना गाइज ये फॉरेस्ट वाला ड्रैगन और इसके पास फॉरेस्ट वाले ड्रैगन की तरफ फॉरेस्ट वाली पावर भी है। बट गाइज अभी ना इसका अगला जो इवोल्यूशन है वही चाइनीज ड्रैगन। अभी गाइज आपको बताया यार कि चाइना का माल जो होता है वो कैसा होता है भाई, ठीक है भाई, मतलब नो गारंटी वारंटी। तो क्या लग रहा है गाइज आपको कि मतलब ये चाइनीज भाई, ऐसे भाई मजाक के वे में बोल रहा हूँ, वरना भाई बोलोगे अरे यार तुम बेइज्जती कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, मजाक में ले लो गाइज खाली, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बस। तो क्या लगता है गाइज ये जो ड्रैगन है ये ऐसा नल्ला निकल लेगा, ठीक है, चाइनीज माल की तरह यहाँ पर एकदम खतरनाक वाला निकलेगा, क्या लगता है आपको? चलो चेकआउट कर लेते हैं सामान भाई, यहाँ पे खींच लेता हूँ इसके इवोल्यूशन के लिए जो भी चाहिए, खींच लिया गाइस खींच लिया अभी ना। चलो और चाइनीज ड्रैगन का इवोल्यूशन देखो भाई, ठीक है रुको थोड़ा दूर जाके भाई इवोल्यूशन करूँगा भाई, ठीक है नज़दीक इवोल्यूशन करता हूँ ना तो भाई थोड़ा सा ना आजू बाजू के डायनो के ऊपर भाई इफेक्ट पड़ता है, और गलती से आजू बाजू का डायनो जो है ना गाइस कोई वो भाई इवोल्व ना हो जाएगा इस ड्रैगन को छोड़ के। हुआ था गाइस ऐसे ऐसे अपने साथ एक एपिसोड में हुआ था भाई, अपन भाई फेदर लाइट को इवोल्व कर रहे थे और फेदर लाइट छोड़ के ड्रैगन डायरेक्टली फेदर लाइट के अगले रूप में इवोल्व हो गया, पता नहीं भाई लॉजिक नो मैजिक भाई, नो लॉजिक ओनली मैजिक भाई, ठीक है। वो इसके लिए भाई एक इन्फर्नल पोशन भी चाहिए, चाइनीज ड्रैगन को ज्यादा ही कई चीजें मांग रहा है, लग रहा है कि इन्फर्नल पोशन जो है ना गाइस वो इन्फर्नल डायनो को इवोल्व करने के लिए डाला जाता है, और वो पोशन प्लस ब्लड प्लस अल्फा कीबल इटर्नल कीबल फ्यूल प्राइम ब्लड, मतलब गाइस लग रहा है कि इवोल्यूशन काफी खतरनाक वाला होने वाला है ये चाइनीज वाले ड्रैगन का, ठीक है। लग रहा है गाइस काफी खतरनाक सा ड्रैगन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ गाइस, पहली बार हम लोग यहाँ पे एक चाइनीज ड्रैगन को देखने वाले, आर्क में पहली बार चाइनीज ड्रैगन का इवोल्यूशन गाइस अपन लोग निकालने वाले, हो गया इवोल्व, कम ऑन एकदम खतरनाक। अरे यार ये वाला ड्रैगन, ये मेरे को बताए, ये मेरे को बताया गाइस, ये बताए, मुझे लगा था ये वाला लास्ट वाले इसमें मिलेगा मेरे को, बड़े जल्दी मिल गया, अच्छी बात है। चलो ये जल्दी मिल गया गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये भाई चाइनीज ड्रैगन, ठीक है, चाइनीज वाले जो ड्रैगन्स होते हैं ना उनकी तरह ही लगता है गाइस, सेम टू सेम भाई, ठीक है। आपने जो अपना कुंपू पांडा है ना, कुंपी पांडा, कुंपू पांडा में इस वाले ड्रैगन को देखा होगा, जो भाई लेटेस्ट या फिर वो पुराने वाले एक मूवी थी जिसमें वो रेल में जाता है और उस रेल में एंड में जो ड्रैगन बनता है ना गाइज वो यही वाला ड्रैगन होता है, कुंपू पांडा जो होता है ना अपना पू, वो यही ड्रैगन बनता है, ठीक है। अब इसकी एबिलिटी शिबिलिटी देखेंगे, बट इसका लास्ट इवोल्यूशन कौन सा है भाई, अल्टीमेट, अल्टीमेट ड्रैगन, अल्टीमा, अल्टीमा ड्रैगन,
अच्छा अपने पास विकेट ड्रैगन है, अल्टीमा ड्रैगन नहीं है ना? नहीं विकेट ड्रैगन है अपने पास, अल्टीमा नहीं है। देखते चलो इसका लास्ट वाला एवोल्यूशन में से अगले एपिसोड में पता ही चल जाएगा क्या है। ठीक है आ जाओ, ये देखो गाइस पहले इसका लुक देख लो, रुको थोड़ा ओपन में लेके जाता हूँ। और ये उड़ सकता है ये ना, हाँ भले इसको विंग्स ना हो लेकिन उड़ सकता है ये। इस तरह से हवा में उड़ उड़ के ना, ये देखो इस तरह से हवा में उड़ उड़ के जो ना गाइस जा सकता है गाइस ये ड्रैगन। ये इसकी एबिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई हमारा ये ड्रैगन। चाइनीज ड्रैगन इज ओपी ब्रियो, इज वेरी वेरी ओपी। ये क्या कर रहा है भाई, अरे ये ऐसा कैसा लैंड करा? हाँ ठीक है चलो भाई, अभी इसके पहले अटैक देख लेता हूँ कौन कौन से। ठीक है इसके पास कौन सा अटैक है, बाइट वाला अटैक है कोई तो, लेफ्ट क्लिक पे भाई आग का गोला दे शोला भाई फेंकने वाला अटैक, सी पे मुझे लाइटनिंग छोड़ने वाला अटैक। भाई इससे मेरे को याद आ रहा है चार्ज वाला अटैक, इतने अटैक होंगे इसके पास, इसके अलावा और कोई अटैक नहीं होगा। अच्छा एक और अटैक है, पता नहीं कुछ तो है भाई अटैक ये। भाई ये ड्रैगन हम लोग को ना उसमें मिला था, कैसे आपको याद है ये वाला ड्रैगन हम लोग को आर्क इटर्नल में पिछली बार मिला था। ठीक है जब हम लोग बॉस फाइट कर रहे थे ना तब कैसे मिला था ये वाला ड्रैगन, मेरे को अब भी याद आया। और हम लोग ने ये वाला ड्रैगन जो है ना गाइस वो इवॉल्व करके निकाला भाई, सही है। चलो वैसे ये वाला ड्रैगन जो है ना गाइस दिखने में तो भाई उतना खास नहीं लगा मेरे को, क्योंकि इस वाले ड्रैगन को मैं पहले काफ़ी ज़्यादा बार दिख चुका हूँ। ठीक है वो जो पुराने वाले पहले वाले जो दो ड्रैगन थे ना उनको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है, इसलिए मेरे को वो देख के जो ना गाइस थोड़ा सा भाई ऐसा शॉक लग गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे। बट ये वाले ड्रैगन को मैं पहले भी देख चुका हूँ तो ठीक है, चलो ठीक है। अटैक्स विटैक्स भी इसके पहले ही देख चुका हूँ मैं तो उतना ज़्यादा कुछ मेरे को झटका नहीं लगा, लेकिन ओपी तो है ये ड्रैगन। ठीक है मैं भी इसकी जो ना मैक्स लेवलअप कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैक्स लेवलअप करने के बाद मैं इसको इम्प्रिंट भी कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे। चलो गाइस मुझे लग रहा है ये वाला एपिसोड ना भाई थोड़ा सा छोटा वाला एपिसोड होने वाला है, क्योंकि गाइस ये ड्रैगन को हम लोग पहले ही चला चुके। मुझे लगा था यार कोई खतरनाक सा नया सा ड्रैगन होगा यार, एकदम ओपी वाला। और 312 लेवल, अरे पुद्दू काट रहे होगा मेरा भाई, 312 लेवल का दे रहे मेरे को ड्रैगन, इतने लो लेवल के ड्रैगन का क्या करूंगा मैं, अचार डालूंगा भाई बताओ हैं। रुको गाइस इसको पानी में लेके चलता हूँ मैं अभी। ये इम्प्रिंट कराया क्या तेरे को मैंने, मैंने इम्प्रिंट कर दिया था इसको शायद से, रुको हाँ इम्प्रिंट कर दिया यार मैंने इसको। पानी में देखते गाइस कि ये ड्रैगन चुना गाइस किस तरह से चलता है भाई। ठीक है और एक्चुअली में तैरता है नॉट चल, अरे भाई पानी में तो इसकी मूवमेंट स्पीड सॉलिड है भाई, जमीन पर इतना नल्ला क्यों भाई, फिर जमीन पर अच्छे से नहीं चल रहा, अटैक कितने का डैमेज दे रहा है भाई। पानी में देखो ना ऐसा अगर गाइस तैर रहा हो पानी में भाई किसी को भाई किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। देखो देखो कैसे तैर रहा है भाई, देखो भाई पानी में सॉलिड लग रहा है यार ये ड्रैगन। ओ भाई सी सरपंट लग रहा है गाइस, सी सरपंट लग रहा है देखो। ओहो देख रहा है, देख रहा है। ओ भाई इसकी पूंछ पानी में बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है देखना। ओ भी बोल देना मेरे भाई, पानी में भी सारे अटैक करता है। हाँ पानी में भी सारे अटैक करता है, उर्रे बाप रे डैमेज तो इसका उतना ज्यादा नहीं है। रुको भाई बिजली के झटके लगा डाल, अच्छा बिजली के झटके नहीं ये ले, अरे कोई तो अटैक कर दे भाई 1 मिलियन। हेलो इतना कम डैमेज भाई, इवोल्यूशन के बाद डायनो का डैमेज बढ़ता है, हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है गाइज, इवोल्यूशन के बाद डायनो का डैमेज घट रहा है। पिछला वाला रुक जाओ, रुको ड्रैगन ना डेजर्ट में लेके जाता हूँ मैं, पिछला वाला ड्रैगन 10 मिलियन का डैमेज दे रहा था कम से कम, मतलब लगभग 10 मिलियन या कितना 9 या 8 मिलियन समथिंग कुछ उसका डैमेज था। ठीक है पिछले वाले ड्रैगन का और इसका भी डैमेज देखना, इम्प्रिंट भी कराया मैंने इसको और मैक्स लेवल कराया। ठीक है रुको इसको क्रैव कर लेता हूँ एक बार, इसको वापस निकाल लेता हूँ। ठीक है एंड अभी देखना इसका डैमेज, अभी आप लोग इसका डैमेज देखना, लुक तो सॉलिड है यार, कुछ भी बोलो लुक तो सॉलिड है यार भाई का, भाई का लुक तो सॉलिड है गाइस, ये देखना 90s नहीं आए बस, ये देखो लुक देखो भाई लुक तो एकदम खतरनाक है यार, इसकी पूछ जो है ना जो मुझे काफ़ी कूल लगी। 90s लगा देता है बिजली के झटके, चल ले बेटा जब भी गाइज मैं अपने आप को जो ना इलेक्ट्रिक्यूट करता हूँ ना गाइज तो भाई मेरे नज़दीक जो भी डायनो का ऑटोमेटिकली बिजली के करंट के कारण मारा जाएगा। ये अपने ड्रैगन की एबिलिटी है, ठीक है ये वाली देखो बिजली का जो करंट है अपने पूरे बॉडी में भाई ऐसा दौड़ने लग जाता है। ठीक है ये बाकी डैमेज बता भाई, मेरे को लग रहा है पोल्यूशन के बाद इसका डैमेज भाई घटिया हो चुका है। 3 मिलियन भाई अभी सच में चाइना का ही माल निकला गाइस हैं, क्या बताओ भाई 10 मिलियन से 3 मिलियन तक आ गया भाई, मतलब ओरिजिनल को भी कॉपी बना डाला इन लोगों ने भाई, ये बताओ जी भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर यार।
भाई मतलब मजाक कर रहे हो तुम भाई, 10 मिलियन 8-9 मिलियन समथिंग कुछ डैमेज दे रहा था मेरा वो पुराना वाला ड्रैगन, और रिवॉल्यूशन के बाद उसका 3 मिलियन रुको दूसरे पे अटैक देखो, भावना में नहीं बहना, दूसरा अटैक 3 मिलियन ठीक है। हाँ एक और अटैक है सिवाला, 1 मिलियन सिवाला अटैक, एक्स वाला अटैक तो वो बिजली का झटका है, 9 लाख बाय अटैक ठीक है। कंट्रोल ओके डोंट जज बुक बाय इट्स कवर मैन भाई, लेकिन इसका एक ही अटैक तो है ना ये भाई, नहीं ये कंटिन्यूस दे सकता है क्या भाई ओरिजिन को भाई 144 मिलियन ठीक है भाई। हेलो भाई ओपी है भाई, चाइनीज ड्रैगन ओपी है भाई, ओपी रुको भाई 10 मिलियन कहा, 144 मिलियन कहा बे। अरे अच्छा ये गोला छोड़ रहा है अपने मुंह से, वो गोला अगर किसी को लग जाता है तो उसका भाई ठंडन गोपाल हो गया समझ लो भाई, अपने मुंह से एक चार्ज करके गोला फेंक रहा ले बेटा भाई, है तो खतरनाक भाई अपना चाइनीज ड्रैगन यार, है तो खतरनाक भाई, मेरे को पसंद आ गया। रुको भाई इसके लिए खासम खास भाई, ए भाई तू इधर ही चुरुक, इसके लिए खासम खास ओरिजिन बना के लाऊंगा, मेरे ओरिजिन जितने भी मेरे पास थे सारे खत्म हो चुके हैं, मुझे बेस से बनाने पड़ेंगे, बेस पे जा रहा हूँ थोड़े से ओरिजिन बना के लेके आ रहा हूँ, देख लो ओरिजिन को कैसे मारता है भाई हमारा चाइनीज वाला ड्रैगन है भाई, ओपी तो है भाई, इसका जो लास्ट वाला अटैक है ना जिसने इसकी इज्जत बचा ली, वरना भाई पूरी की पूरी जो ना कि इज्जत भाई मिट्टी में मिल जाती भाई वो ड्रैगन की ठीक है। ये लो भाई रुको यहाँ पे इसमें ओरिजिन बना ले भाई, ओरिजिन किलर तो ये आराम से बन जाएगा भाई, एक एक नहीं दो दो ओरिजिन को साथ में मारेगा भाई, 10 ओरिजिन ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई लो कितने ने बन रहे ओरिजिन भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा बन रहे। रुको एक कॉस्ट्यूम का एक और रखा बाबा, रुको ये सारा कॉस्ट्यूम फेंकने दो, ओरिजिन भाई ओरिजिन कॉस्ट्यूम सारा का सारा ओरिजिन वाला कॉस्ट्यूम ऐसा इधर फेंक डालो भाई ठीक है, ऐसा इधर फेंक डालो, एंड अभी जो ना गाइस ओरिजिन बन रहे हैं आप भाई इनको लेके डेजर्ट में सीधा चलेंगे और एकदम बुलटू बूम बाम करेंगे ठीक है। स्पाइनो भी ना अपने पास आ चुका है भाई, स्पाइनो के ऊपर ही चेकआउट कर लेता हूँ ना मैं, उस स्पाइनो रेक्स को मारूंगा गाइस, स्पाइनो रेक्स मेन होते हैं उनको, एक वाइब्रन को भी पेल डालूंगा, चलो फ्लायर को भी पेलेंगे भाई ठीक है, देखते हैं इसकी फ्लायर को हम लोग पेल पाते कि नहीं, चलो आ जाओ भाई बाकी तो बनने दो गाइस ठीक है, मैं आता हूँ तब तक, या फिर थोड़ा सा जो ना गाइस इन ओरिजिन की बैंड बजा के देखते गाइस हमारा वो ड्रैगन जो है गाइस वो ओरिजिन किलर ड्रैगन बन पाता है कि नहीं, है क्या उसमें इतना दम, देखते चलो अभी पता चल ही जाएगा। अब रुको गाइस अभी पता चलने ही वाला है एकदम, सबकी ना बैंड बजाने वाले बन लोग, इधर आ भाई ड्रैगन आ जा भाई, ओरिजिन को बुला रहा है ड्रैगन, पेटी बना देने सीधा पेटी भाई, या गाइस फाइनो सीधा पेटी भाई सीधा पेटी, जवानी दे रही बिजली की तारे, 132 मिलियन क्या मेरी जान, हाँ मेरी बिजली ओ कंटिन्यूस बिजली के झटके लगते रहेंगे इसको, बड़ा तेरे को तो बिजली के झटकों से पेलूंगा मैं, मार रहा है को भाई, हेल्थ कम लग रहा मेरी, डैमेज बढ़ रहा भाई, डाल बम भगता है बिजली के झटके, दे बिजली के झटके इसको, दे बिजली के झटके, भाग रहा है भाई भाग रहा है, रुक तुझे नानाची तांगड़ी, रुक जा भाई भाई बिजली के झटके दे दे के मार दूंगा तेरे को, ले बेटा अब बिजली के झटके दे दे के मार दूंगा इस ओरिजिन को भाई, ये ले भाई अरे बिजली के झटके दे फट के, अच्छा बेटा नहीं मरेगा बिजली के झटकों से, रुको ये ले, गया कैसे गया काम 25 हो गया कैसे इसका, नहीं हो गया काम 25 हो गया भाई काम 25 बेटा, ओरिजिन कलाना क्याल पेल डाला गाइस, एक नहीं भाई अपन लोग जो ना गाइस आज अपने इस भाई खतरनाक से ड्रैगन से 3-3 ओरिजिन को पेलेंगे, ड्रैगन लग रहा है हाँ भाई मीट बीट इकट्ठा नहीं कर सकता भाई, डायनोस को मार नहीं पा रहा अपना ड्रैगन, अबे किधर जा रहा है, रुक जा जमीन पे भाई लैंड करा ले, हाँ ठीक है आन दो भाई ओरिजिन रेक्स भाई अभी ठीक है, क्या हुआ अच्छा ठीक है पता नहीं क्या हुआ, ओके अभी ओरिजिन रेक्स को बुला रहा हूँ गाइस, मैं बुला रहा हूँ ओरिजिन रेक्स को, रुक जाओ गाइस रुको गाइस, ये आ गया भाई अपना ओरिजिन रेक्स भाई, इधर आ भाई इधर आ आ मेरी जान, अरे नहीं भाई यार नहीं करना था तुमको, अच्छा भाई फोगड़ का खाने के लिए चला गया भाई, अरे तू भी ना भाई यहाँ रुक बिजली के झटके खाएगा, अरे कैसा गुंडा बनेगा, अरे हाँ
रुकना रुकना तेरे, हाँ अंदर समाने दे मेरे को, उसके बाद ए व्हाट आइला जादू भाई, ओरिजिन वाला रेक्सी गायब हो गया। ठीक है वाइब्रेंट को बुला लेता हूँ, रुको भाई, डर गया भाई ओरिजिन वाला रेक्स, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। ले बेटा 106 मिलियन सीधा पिछवाड़े पे वाइब्रेंट के, सीधा पिछवाड़े पे भाई, ठीक है सीधा पिछवाड़े पे लगा है भाई। अब इसको मारूंगा कैसे, क्या ना दिवाली एक ही बार होती है ना, हर रोज नहीं होती दिवाली, इसका भाई अटैक कैलकुलेट करके मारना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले बेटा, ये ले 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 ये ले ले बेटा, लग गया भाई, नहीं लगा क्या, नहीं लगा, कितना हेल्थ है। अरे बिजली के झटके खा लो भाई, तुम कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहे हो भाई, इलेक्ट्रिक्यूट नहीं होता क्या। अबे लग जाए यार, ये अटैक नहीं पड़ रहा यार मेरा उसके ऊपर, मेरा स्टैमिना जाने वाला है यार, वाइब्रेंट को नहीं मार पाए, एक मिनट कहीं नहीं मार पाएगा भाई, मैं हवा में उड़ूंगा ना, नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। वैसे तो 7-7 लाख भाई डैमेज इसको दे सकता हूँ मैं, बट इसको मारना थोड़ा मुश्किल है, नहीं नामुमकिन लग रहा है मेरे को तो रुको। अबे यार आ जा भाई अटैक रेंज में, आ जा मेरे मेरे अटैक रेंज में आ जा, रुको गाइस रुको, कंट्रोल वाला अटैक लगा क्या भाई, ये तो लगना चाहिए था यार भाई, चीटिंग कर रहा है, मैं जा रहा हूँ भाई रुको, बॉस फाइट टर्मिनल पर ना, तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ भाई, ओरिजिन भाई वाइब्रेंट को नहीं मार सकता गाइस ये, ठीक है अपन जो है कैसे ओरिजिन वाइब्रेंट को इस वाले चाइनीज ड्रैगन से मार नहीं सकते, ठीक है क्योंकि वो ड्रैगन को जो ना कैसे अपना मेन अटैक जो ना कैसे वो लग ही नहीं रहा, लेकिन कहीं चाइनीज वाला ड्रैगन स्टिल भाई है भाई, दम तो है भाई के अंदर भाई, ठीक है भाई के अंदर दम है गाइस, ठीक है इसने डैमेज तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला दिया है गाइस यहाँ पे, बट गाइस मैं जो ना कैसे इसका जो लास्ट वाला इवोल्यूशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि है गाइस यहाँ पे वो अल्टीमा ड्रैगन गाइस, ठीक है सीधा अल्टीमा ड्रैगन में इवॉल्व करने वाले अपन लोग इसके लास्ट वाले वर्जन को, बाकी ये वाला वर्जन में पहले ही चला चुका हूँ इसलिए मेरे को जो ना गाइस ये वाले वर्जन में उतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बाकी गाइस जिन्होंने देखा नहीं उनको मैं लास्ट बार एक और बार दिखा देता हूँ, ये ड्रैगन इसका डैमेज मेन जो डैमेज है बाइट बीट अटैक वाला उतना ज़्यादा नहीं जा रहा, इसका ये वाला जो अटैक है ना जो कि लगभग 15 सेकंड में एक बार आता है, इसका डैमेज खाली जो ना 100 मिलियन प्लस है गाइस, ठीक है जो कि काफ़ी ओपी बात है। बाकी तो गाइस इसका लुक तो एक नंबर है भाई, लुक के बारे में कोई भी सीन नहीं है, लुक भाई एक नंबर है, बाकी दूसरे जो अटैक्स है इसके वो काफ़ी भाई कम डैमेज दे रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन कोई ना गाइस इसका जो गाइस यहाँ पे लास्ट वाला वर्जन होगा ना वो भाई सबकी बैंड बजा के रख देगा, मैं जो ना गाइस इसके लास्ट वाले वर्जन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में इसका लास्ट वाला वर्जन कितना ज़्यादा ओपी और खतरनाक वाला निकल के गाइस यहाँ पे आता है। अभी तो फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड इसी गाइस ड्रैगन के इवोल्यूशन के साथ और गाइस बॉस फाइट के साथ यहीं पे खत्म होता है, ये ओरिजिन बॉस किलर तो बना गाइस, ठीक है ये ओरिजिन को तो भाई इजीली मार भी सकता है, रेक्स को तो इसने भगा डाला भाई, रेक्स तो डर के मारे डायरेक्टली गायब भी हो गया था, तो गाइस ये ओरिजिन भाई बॉस किलर तो है, बट गाइस ये जो ना गाइस यहाँ पे फ्लायर ओरिजिन को नहीं मार सकता, ये थोड़ा सा जो ना इसका माइनस पॉइंट है। चलो कोई ना अगला एपिसोड जो है ना गाइस वो देखना और इसमें इसका लास्ट वाला इवोल्यूशन भी जरूर देखना, अभी के लिए ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग।